हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र कादयान। आज मैं डिस्कस करूंगा एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा एयर प्रेशर क्या होता है, इसको किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से मेजर किया जाता है और एयर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो आइए जानते हैं एयर प्रेशर क्या है। एयर प्रेशर का मतलब है वेट ऑफ एयर एग्जर्टेड ओवर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस और सी लेवल। जो एयर है मींस जो एटमोस्फेरिक गैसेज हैं उनमें वेट होगा और वो वेट जो भी यूनिट एरिया पर अप्लाई होगा वो वेट ही एयर प्रेशर होगा। प्रेशर को अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स मींस वेट ओवर एन एरिया। ये वेट किसका होगा, एयर का होगा और किसी यूनिट एरिया पर होगा तो उसको एयर प्रेशर बोला जाएगा। एयर प्रेशर को सही से समझने के लिए हमें एक इमेज की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इस इमेज को देख लेते हैं, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, ये है अर्थ सरफेस और इस अर्थ सरफेस के ऊपर ये है एटमॉस्फेयर और ये एटमॉस्फेयर की अपर लिमिट और ये जो बबल लाइक फीचर्स आपको दिख रहे हैं ये हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स। आप देख पा रहे होंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी लोअर पार्ट में एटमॉस्फेयर के ज्यादा है और जैसे जैसे अपवर्ड मूव करते हैं तो ये गैसियस डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। और ये जो गैसियस डेंसिटी डिक्रीज कर रही है इसके कारण अपवर्ड मूव करने पर एयर प्रेशर डिक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन एयर प्रेशर डिक्रीज करने का दूसरा रीजन क्या है, जैसे अगर इस माउंटेन के अपर पार्ट पर मुझे एयर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो केवल और केवल ये जो डेप्थ होगी ना एटमोस्फियर की, ये इस डेप्थ का ही जो एटमोस्फियर होगा वो यहाँ पर वेट एग्जर्ट करेगा। तो अगर एटमोस्फियर की डेप्थ कम हो जाएगी तो जो वेट होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स का वो भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो एटमोस्फेरिक वेट है इसका इंक्रीज फास्टर रेट पर होगा क्योंकि डेंसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। जो एयर प्रेशर है इसकी डिस्कवरी सबसे पहले इवांजेलिस्टा टोरिसेली ने 1644 में की है। और एयर प्रेशर अर्थ सरफेस पर यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें वेरिएशन है। एक प्लेस का एयर प्रेशर दूसरे प्लेस के एयर प्रेशर से अलग मिलता है जिसका मेन रीजन है चेंज इन टेम्परेचर। और जब दो प्लेसेस के बीच का एयर प्रेशर एक जैसा नहीं होगा तो क्या होगा, गैसियस मूवमेंट होगी। जैसे मान लेते हैं इस प्लेस का हाई एयर प्रेशर है इसका लो, तो इन में दोनों के बीच हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूवमेंट होगी। और अगर ये एयर मूवमेंट हॉरिजॉन्टल टू दी अर्थ सरफेस है तो इसको विंड कहा जाता है। इसका मतलब है दो प्लेसेस के बीच में एयर प्रेशर डिफरेंस आने के कारण विंड मूवमेंट होती है। जो एयर प्रेशर है इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। अगर किसी एरिया का एयर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो वहां पर इनस्टेबल वेदर होगा और अगर एयर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वहां पर स्टेबल वेदर की डेवलपमेंट होगी। अब स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। जब एटमॉस्फेयर में मूवमेंट होती है अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो एटमॉस्फेयर इनस्टेबल होगा। और अगर एटमॉस्फेयर में ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कम हो जाएगी या नहीं होगी तो वेदर स्टेबल होगा। जिस टाइम पर एयर प्रेशर डिक्रीज करता है उस टाइम पर दो चीजें होती हैं, एक तो एयर का एक्सपेंशन हो रहा होता है और दूसरा एयर अपवर्ड मूव कर रही होती है। और मैंने आपको बोला है कि एयर की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी कॉज करती है। और अगर एयर में कंप्रेशन हो रहा है मींस एयर डेंसर या हैवियर हो रही है और एयर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उस केस में एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है। क्योंकि जब एयर एक्सपेंड कर रही है या अपवर्ड मूव कर रही है तो एयर लगातार हल्की होती जा रही है और हल्की एयर में मूवमेंट इजीली हो सकती है या फास्टर मूवमेंट हो सकती है। तो
पर जब एयर कॉम्प्रेस करती है उसकी डेंसिटी इंक्रीज करती है या वो नीचे की तरफ आती है, तो इसका मतलब वो डेंसर एटमोस्फियर में आ रही है, ऊपर जो रेयरर एटमोस्फियर है वहां से। तो जब एयर की डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो उसके लिए मूवमेंट जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब एयर प्रेशर इंक्रीज करता है तो एटमोस्फियर की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब है लेस मूवमेंट इन द एटमोस्फियर, इनस्टेबिलिटी का मतलब है मोर मूवमेंट इन द एटमोस्फियर। और एयर जितनी हल्की होगी उतनी ही मूवमेंट वो इजीली करेगी। जो वेदर रिलेटेड चेंजेस है, ऑल वेदर, ये पॉइंट आपको कभी भी स्टेटमेंट में मिल सकता है। ऑल वेदर रिलेटेड चेंजेस जो है एयर प्रेशर से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि एयर प्रेशर के कारण ही एयर मूवमेंट होगी, और एयर मूवमेंट जब होगी तो एयर की एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, हीटिंग, कूलिंग या कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन, ये सारी चीजें होंगी, और ये सारी चीजें वेदर से रिलेटेड है। इसलिए आप कह सकते हो कि ऑल वेदर रिलेटेड चेंजेस जो है वो एयर प्रेशर से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। मेजरमेंट जो एयर प्रेशर की होती है वो किन किन इंस्ट्रूमेंट से की जाती है? मेनली बैरोमीटर से ही एयर प्रेशर की मेजरमेंट की जाती है, और बैरोमीटर के कई टाइप्स हैं, तो इनमें देखते हैं। सबसे पहले है मर्क्यूरियल बैरोमीटर। इसकी एक्यूरेसी काफी हाई होती है, लेकिन इसके साथ जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये पोर्टेबल नहीं होता है। इसमें मरकरी का यूज किया जाता है, और इसलिए ये लिक्विड बेस्ड बैरोमीटर इसको बोल सकते हैं। दूसरा है फोर्टीन्स बैरोमीटर। इसमें भी मरकरी का यूज होता है, लेकिन जो पहले वाला जो बैरोमीटर था मर्क्यूरियल बैरोमीटर, उसकी लिमिटेशन ये थी कि उसकी पोर्टेबिलिटी नहीं थी, यानी कि वो पोर्टेबल नहीं था, लेकिन ये फोर्टीन्स बैरोमीटर पोर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट जो बैरोमीटर है ये भी लिक्विड बेस्ड बैरोमीटर है, लिक्विड मरकरी का यूज किया जाता है, और इसको बोला जाता है फिक्स्ड सिस्टर्न बैरोमीटर। तो ये फर्स्ट थ्री जो है लिक्विड बेस्ड बैरोमीटर्स हैं। नेक्स्ट है एंड्रॉयड बैरोमीटर। इसमें लिक्विड का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि एक थिन मेटल शीट का इसमें यूज होता है। बस आपको बैरोमीटर्स कौन कौन से हैं इनके बारे में ही जानना जरूरी है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं उनको जानने की आपको जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है। एल्टीमीटर, वैसे तो ये एल्टीट्यूड को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एयर प्रेशर और एल्टीट्यूड में रिलेशन होता है। एयर प्रेशर अपवर्ड मूव करने पर डिक्रीज करता है, इसलिए एटमोस्फेयर में एल्टीट्यूड की कैलकुलेशन के बेस पर हम एयर प्रेशर की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अपवर्ड मूव करने पर 300 मीटर की असेंडिंग पर 33.86 मिलीबार एयर प्रेशर डिक्रीज करता है, और अगर हमें किसी भी पॉइंट की हाइट का आइडिया हो जाए तो इस कैलकुलेशन के बेस पर हम एटमोस्फेरिक प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज किया कि 33.86 मिलीबार एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो मिलीबार जो है ये एयर प्रेशर की यूनिट है, और 1 मिलीबार का मतलब है जब 1 ग्राम एटमोस्फेरिक गैसेज का वेट 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर अप्लाई होगा तो उसको 1 मिलीबार कहा जाता है। जो प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली जो सबसे ज्यादा बैरोमीटर्स यूज किए जा रहे हैं वो हैं डिजिटल बैरोमीटर्स। डिजिटल, ये इनकी एक्यूरेसी काफी हाई है, और इनमें इलेक्ट्रिक सर्किट और सेंसर्स का यूज किया जाता है। इनका साइज भी छोटा होता है, इनको कैरी करना बड़ा आसान है, और ये बहुत फास्टली एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, और इनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में डिजिटल बैरोमीटर का यूज बहुत ज्यादा है, मोस्ट पॉपुलर अभी यही है। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ जब एयर प्रेशर की कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग करनी होती है तो हम बैरोग्राफ का यूज करते हैं। बैरोमीटर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एयर प्रेशर को बताएंगे, लेकिन बैरोग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा कॉन्टिन्यूसली एयर प्रेशर की।
अगर किसी प्लेस पर मुझे कॉन्टिन्यूसली 3 आवर्स तक एयर प्रेशर मेजर करना है तो मैं बैरोग्राफ का यूज करूंगा। उसके बाद यूनिट्स, जब हम एयर प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं तो किन किन यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। ऐसा यूनिट है पास्कल, और एक पास्कल का मतलब है जब एक न्यूटन फोर्स 1 मीटर के एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर अगर लगा जाता है तो उसको 1 पास्कल बोला जाता है। दूसरी यूनिट है बार और मिलीबार। मिलीबार मोस्ट पॉपुलर यूनिट है एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए या एयर प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पास्कल और मिलीबार में रिलेशनशिप ये है कि 1 हेक्टोपास्कल इज इक्वल टू 1 मिलीबार। हेक्टो मीन्स 100 पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 0.01 मिलीबार। तो ये भी आपको याद रखना है कि 100 पास्कल इज इक्वल टू 1 मिलीबार। जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है इसको एटीएम से भी हम दिखा सकते हैं, यानी कि एटीएम को भी एज ए यूनिट यूज कर सकते हैं। और एटीएम स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एटमोस्फेयर, मीन्स जब किसी एरिया का स्टैंडर्ड एयर प्रेशर होगा तो उसके लिए हम 1 एटीएम यूज कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड एटमोस्फेयर या स्टैंडर्ड एयर प्रेशर क्या है, यह है 1013.25 मिलीबार और 760 mm ऑफ मरकरी और 14.696 PSI। ये स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है एटमोस्फेयर का। PSI का मतलब है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। और ये जो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है ये सी लेवल पर मेजर किया जाता है 15.2 डिग्री सेल्सियस पर एट 45 डिग्री लैटिट्यूड्स पर। ये चीजें आप याद रखेंगे। लेकिन ये जो मैंने इतनी सारी वैल्यूज यूज की हैं, इनमें एक तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड एयर प्रेशर क्या है। कभी कभी आपसे मरकरी के रिगार्डिंग भी पूछ लेंगे तो ये 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी के इक्वल स्टैंडर्ड एयर प्रेशर होता है। तो ये दो चीज आप जरूर याद रखेंगे, सी लेवल पर ये स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है, टेम्परेचर भी याद रखेंगे और लैटिट्यूड का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है ओपन स्पेस में और इनसाइड द रूम, क्या इसमें कुछ वेरिएशन होता है। अगर दोनों एरियाज को कंपेयर करें, आउटसाइड एंड इनसाइड द रूम एयर प्रेशर इज ऑलवेज सेम। अगर बाहर एयर प्रेशर ज्यादा होगा तो थ्रू विंडोज एंड डोर्स एयर रूम में एंटर करेगी, रूम का भी एयर प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर बाहर एयर प्रेशर कम होगा तो आप लोग जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूवमेंट होगी, तो रूम से बाहर की तरफ एयर की मूवमेंट होगी, इसलिए जो एयर प्रेशर है वो इनसाइड द रूम एंड आउटसाइड द रूम हमेशा इक्वल मिलेगा। जो एयर प्रेशर है ये अपवर्ड मूव करने पर डिक्रीज करता है और इसका रेट है नियर द सी लेवल 1 मिलीबार एट पर 10 मीटर ऑफ द हाइट। पर ये जो एयर प्रेशर डिक्रीज करता है ये रेट कांस्टेंट नहीं है, नियर द सी लेवल इस रेट से एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा, लेकिन जैसे जैसे अपवर्ड मूव करेंगे जो एटमोस्फेरिक गैसेज हैं उनकी डेंसिटी डिक्रीज करती है, इसलिए अपवर्ड मूव करने पर ये रेट भी डिक्रीज कर जाएगा। मींस हायर हाइट पर हो सकता है ये 0.5 mb हो जाए, उससे हायर हाइट पर 0.2 mb हो जाए पर 10 मीटर ऑफ असेंडिंग। तो आपको ध्यान देना है कि अपवर्ड मूव करने पर जो एयर प्रेशर वो डिक्रीज करता है, लेकिन ये जो डिक्रीज रेट है ये हाइट के साथ फर्दर रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा। जो हाईएस्ट एयर प्रेशर है ये कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, इन 1968 ओवर द अर्थ सरफेस हाईएस्ट एयर प्रेशर रिकॉर्ड किया गया था एट अगाटा इन साइबेरिया, रूस में ये एक प्लेस है, और वहां पर एयर प्रेशर रिकॉर्ड किया गया था 1083.8 मिलीबार। विंटर सीजन में ये रिकॉर्ड किया गया। लोवेस्ट एयर प्रेशर अब तक का जो रिकॉर्ड किया गया वो 870 मिलीबार इन द आई ऑफ द टाइफून। टाइफून ये एक
ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है, और आई ऑफ द टाइफून का मतलब है ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंट्रल पार्ट है उसको आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, और आई ऑफ द साइक्लोन यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द साइक्लोन में हमेशा एयर प्रेशर कम होता है, और उस लो एयर प्रेशर के चारों तरफ एयर ऐसे मूव करती है, और ये आई ऑफ द टाइफून में जब लोवेस्ट एयर प्रेशर रिकॉर्ड किया गया उस टाइम पर यह साइक्लोन कहाँ था, ओवर गुआम आइलैंड इन 1979 में ये रिकॉर्ड किया गया है। गुआम आइलैंड है पैसिफिक ओशन में फिलीपींस के पास। किसी भी प्लेस का एयर प्रेशर सी लेवल पर ही रिकॉर्ड किया जाता है या बताया जाता है, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस के एयर प्रेशर को कंपेयर करने के लिए एक कॉमन लेवल होना चाहिए जहां पर उनके एयर प्रेशर को दिखाया जाता है, और वो सी लेवल ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हर प्लेसेस की अपनी अपनी एल्टीट्यूड होगी, और अगर अलग अलग एल्टीट्यूड के साथ किसी भी प्लेस का एयर प्रेशर अगर हम बता रहे हैं तो वो कंपेरेबल नहीं है, तो उसको कंपेरेबल बनाने के लिए एक कॉमन लेवल लिया जाता है, और वहां पर एयर प्रेशर का वेरिएशन देखा जाता है, तभी उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जो एयर प्रेशर वेरिएशन है ये कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, किसी भी प्लेस पर दो बार हाईएस्ट एयर प्रेशर और दो बार लोवेस्ट एयर प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है, और ये जो हाईएस्ट एयर प्रेशर होगा उसको मैक्सिमा कहेंगे, लोवेस्ट एयर प्रेशर को मिनिमा कहेंगे। तो ड्यूरिंग डे टाइम मीन्स 24 आवर्स की ड्यूरेशन में जो मैक्सिमा होगा वो होगा 10 AM एंड 10 PM पर, मिनिमा 4 AM 4 PM पर होगा, और ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का टाइम है ये और इक्विनोक्सिस के टाइम पर मैक्सिमा और मिनिमा का टाइम दिया गया है। इक्विनोक्सिस का मतलब है जब सन परपेंडिकुलर होता है ओवर द इक्वेटर, मीन्स जब डे एंड नाइट की ड्यूरेशन इक्वल होती है उस टाइम पर ये टाइम होंगे पर्टिकुलर मैक्सिमा और मिनिमा के, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो मैग्नीट्यूड होगा डेली और एनुअल प्रेशर वेरिएशन का, ये मैग्नीट्यूड ग्रेटेस्ट होता है नियर द इक्वेटर और इन ट्रॉपिकल रीजन, और डिक्रीज करता है पोलवर्ड, मीन्स जो हाई और लो प्रेशर का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन इक्वेटर के पास ज्यादा होता है, हायर लैटिट्यूड पर कम होता है, क्योंकि जो इक्वेटर है वहां पर सोलर रेडिएशंस वर्टिकल होती हैं थ्रू आउट द ईयर, और वहां पर एयर प्रेशर तेजी से डिक्रीज करता है डे टाइम पर, जब सन नहीं होगा नाइट टाइम पर एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और उसके कारण जो मैग्नीट्यूड होगा एयर प्रेशर वेरिएशन का वो इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा हो जाएगा। एयर प्रेशर अर्थ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जो एयर प्रेशर को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर, जो कि इंसुलेशन के कारण होता है, और जो टेम्परेचर और एयर प्रेशर है इसका रिलेशन ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो जो गैसेज है वो एक्सपेंड करती हैं, और उसके साथ साथ गैसेज अपवर्ड भी मूव करती हैं। जब गैसेज अपवर्ड मूव करेंगी तो क्या होगा, जो गैसेज का वेट था ओवर द अर्थ सरफेस वो रिलीव हो जाएगा, एयर प्रेशर रिड्यूस करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, एयर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए अर्थ सरफेस पर हॉरिजॉन्टली मीन्स ओवर द अर्थ सरफेस अगर आप देखेंगे अक्रॉस द लैटिट्यूड्स आपको टेम्परेचर और एयर प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देगा, पर अगर आप वर्टिकली मूव करेंगे तो क्या होगा, एयर प्रेशर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एटमोसफेयर की डेप्थ भी डिक्रीज करती है, और जो एटमोसफेयर में जो गैसेस डेंसिटी है वो भी डिक्रीज करती है। तो एयर प्रेशर अपवर्ड मूव करने पर डिक्रीज करेगा, लेकिन अपवर्ड मूव करने पर टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है, पर इस टेम्परेचर के डिक्रीज के कारण एयर प्रेशर डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। जो टेम्परेचर है वर्टिकली वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि हम अर्थ सरफेस से दूर जा रहे हैं, और अर्थ सरफेस एटमोसफियर के टेम्परेचर का मेन सोर्स है,
पर एयर प्रेशर डिक्रीज इसलिए कर रहा है कि एटमॉस्फेयर की डेप्थ भी डिक्रीज कर रही है और डेंसिटी भी डिक्रीज कर रही है। तो इन दोनों का वर्टिकल केस में कोई रिलेशन नहीं है। वर्टिकली भी अगर आप किसी हाइट पर पहुंच गए हैं तो वहां का कुछ एयर प्रेशर होगा एक्स, और वहां अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो एयर प्रेशर फर्दर डिक्रीज करेगा। मीन्स वर्टिकली भी एटमोस्फेयर में आपको टेम्परेचर का और एयर प्रेशर का रियल में इनवर्स रिलेशन ही देखने को मिलेगा। टेम्परेचर सन की अपेरेंट मूवमेंट से अफेक्ट होता है, इसलिए आप कह सकते हो कि किसी भी प्लेस पर सीजनल चेंज के कारण या सन की अपेरेंट मूवमेंट के कारण एयर प्रेशर में वेरिएशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है एल्टीट्यूड। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेयर की जो डेप्थ है वो डिक्रीज करेगी, जिसके कारण एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा, या डेंसिटी अपवर्ड मूव करने पर डिक्रीज करती है उसके कारण भी एयर प्रेशर डिक्रीज करता है, और अपवर्ड मूव करने पर एयर प्रेशर डिक्रीज का रेट 1 मिलीबार एट पर 10 मीटर ऑफ द एल्टीट्यूड या 33.86 मिलीबार फॉर एवरी 300 मीटर ऑफ द एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड का इंपैक्ट ऑलरेडी हम जान चुके हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड मूव करने पर एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये एयर प्रेशर मिलीबार्स में दिखाया गया है और ये इस साइड हाइट दिखाई गई है। अगर आप इस साइड देखें तो कॉन्टिन्यूसली एयर प्रेशर डिक्रीज करता हुआ दिखेगा आपको, और इस साइड कॉन्टिन्यूसली हाइट इंक्रीज करते हुए दिखेगी। अगर इस माउंटेन के सरफेस पर हम पीक पर अगर एयर प्रेशर मेजर करें तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की जो डेप्थ है वो कम हो गई है, इसलिए यहाँ पर एयर प्रेशर भी कम मिलेगा। अर्थ की जो रोटेशन है उसके कारण भी जो एयर प्रेशर है उसमें चेंज आता है। देखिए, जो अर्थ की रोटेशन है उसके कारण अर्थ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स डेवलप होते हैं, इसलिए अर्थ की रोटेशन के कारण एयर प्रेशर में चेंज आता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप इस ग्लोब पर इन चीजों को समझें तो थोड़ा सा ज्यादा शायद समझ पाएंगे। ये ग्लोब है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये इक्वेटर है और ये पोलर एरिया है। होगा क्या, जब अर्थ रोटेट करेगी इस टाइप से, अर्थ अगर रोटेट करेगी तो आपको ये पता है कि ये इक्वेटर वाला जो पॉइंट होगा ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा, और अगर हायर लैटिट्यूड पर कोई पॉइंट है वो कम तेजी से मूव करेगा, क्योंकि यहां पर ये पार्ट जो इक्वेटर पर कोई भी पॉइंट है ये भी 24 आवर्स में एक सर्कल पूरा करेगा, और यहां पर भी 24 आवर्स में ही कोई भी पॉइंट एक सर्कल पूरा करेगा। तो इस पॉइंट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है जो इक्वेटर पर पॉइंट है उसके कंपैरिजन में। इसलिए होगा क्या, या ये इक्वेटर पर जो पॉइंट है वो ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा। तो अगर इक्वेटर पर कोई भी पॉइंट ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां ज्यादा होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशन का ही एक आउटकम है। तो अगर रोटेशन स्ट्रोंगर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रोंगर होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, ये आउटवर्ड फोर्स है। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना ही आउटवर्ड फोर्स ज्यादा होगा। और अगर एटमोस्फेरिक एयर प्रेशर के केस की बात करें तो जब इक्वेटोरियल एरिया में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रोंगर होता है तो क्या होगा, ये एयर को अप थ्रस्ट देगा, एयर को अपवर्ड फेंकेगा, जिसके कारण क्या होगा, एयर का वेट कुछ कम हो जाएगा इक्वेटर पर, या जो एयर यहां से अपवर्ड मूव करेगी तो उस एयर को एक अप थ्रस्ट देगा और वो एयर तेजी से ऊपर जाएगी। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इक्वेटर पर जो अप थ्रस्ट वो स्ट्रोंगर है, इसलिए यहां पर वो अप थ्रस्ट लो प्रेशर की डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर हायर एरियाज के लिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंपैरेटिवली कम होगा तो ये अप थ्रस्ट फोर्स भी कम होगा, इसलिए यहां पर जो एयर प्रेशर होगा वो कंपैरेटिवली हायर होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज क्या है, जो पोलर एरियाज हैं,
अगर पोलर एरियाज की बात करें, जब अर्थ रोटेट करेगी इस टाइप से, तो यहां से जो एयर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आउटवर्ड मूव करेगी इस टाइप से, और इस आउटवर्ड मूवमेंट के कारण क्या होगा, पोलर एरियाज पर जो हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है वो लिमिटेड रहेगा। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता तो यहां पर हाई प्रेशर और ज्यादा हाई होता, तो अब कंपैरेटिवली हाई प्रेशर यहां पर लो है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, उसकी रोटेशन के कारण वो एयर को बाहर की तरफ फेंक रही है, इसलिए यहां पर हाई प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होने की बजाय कुछ कम या कुछ लिमिट में होगा। इसी टाइप से अर्थ की रोटेशन के कारण अर्थ पर एक कोरियोलिस फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि अर्थ कॉन्टिन्यूसली अगर रोटेट कर रही है तो इसकी रोटेशन से क्या होगा, जो विंड होगी ना इसकी मूवमेंट स्ट्रेट नहीं होगी, रादर ये या तो राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा ये या लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। तो कोरियोलिस फोर्स को हम बाद में डिटेल में समझेंगे, पर अभी के लिए आप इतना जाने कि कुछ एरियाज पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट लंबे टाइम तक कोरियोलिस फोर्स के कारण ही रह सकती है। जैसे मैंने अभी बताया था जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं तो उनमें लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ एयर इस टाइप से घूमती है, और इसके घूमने के कारण ही लो प्रेशर लंबे टाइम तक बना रहेगा। अगर एयर सीधी आती, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती और इस लो प्रेशर एरिया पर आ जाती तो ये लो प्रेशर खत्म हो जाता, पर एयर कोरियोलिस फोर्स के कारण इस लो प्रेशर पर स्ट्रेट ना आकर इसके चारों तरफ घूमने लगती है, इसलिए यहां पर लो प्रेशर एरिया में एयर आकर उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर ही नहीं पाती, इसलिए कोरियोलिस फोर्स के कारण भी एयर प्रेशर में वेरिएशन आता है, चेंज आता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, और जिस एरिया में विंड जाएगी उस एरिया के एयर प्रेशर में विंड चेंज करेगी, तो इसलिए कोरियोलिस फोर्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा जा सकता है जो एयर प्रेशर को अफेक्ट करेगा किसी भी एरिया के। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स होते हैं, और अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स या हैवियर गैसेज होंगी तो एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर ज्यादा होगा, पर जब एटमॉस्फेयर में मोर वाटर वेपर्स होंगे या ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ज्यादा मॉइस्चर होगा, तो उस एरिया में कभी भी एयर प्रेशर हायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स इन कंपैरिजन टू द गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स इन लोअर एटमॉस्फेयर, उनसे हल्के होते हैं वाटर वेपर्स, इसलिए ये गैसेज की डेंसिटी को कम कर देते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि अराउंड 1.5 टाइम्स लाइटर होते हैं वाटर वेपर्स जो नीचे की गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर की उनके कंपैरिजन में। इसलिए अगर एटमॉस्फेयर में कहीं पर भी वाटर वेपर्स ऐड हो जाएंगे तो वाटर वेपर्स एक हल्की गैस है, हल्की गैस के ऐड होने पर यूनिट एरिया में जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। या इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि वाटर वेपर्स में हीट होती है और जब उस कॉलम में वो हीट रिलीज करते हैं वाटर वेपर्स तो एयर लाइटर हो जाती है और अपवर्ड मूव करती है, जिसके कारण एयर प्रेशर डिक्रीज करता है। नेक्स्ट फैक्टर है एयर करेंट्स। एयर करेंट्स का मतलब क्या, एयर की अपवर्ड मूवमेंट या एयर की डाउनवर्ड मूवमेंट, और ये आप लोग जान चुके हैं, जब एयर में अपवर्ड मूवमेंट होगी तो लो प्रेशर डेवलप होगा, और जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो हाई प्रेशर डेवलप होगा। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को कन्वेक्शंस ऑफ द एयर भी बोल सकते हैं, तो कन्वेक्शनल डेवलपमेंट के कारण भी एयर प्रेशर में चेंज आता है। इसके बाद लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स भी एक इनडायरेक्ट फैक्टर है जो किसी भी एरिया के एयर प्रेशर को अफेक्ट करेगा, और जो लैटिट्यूड्स है ये टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं और टेम्परेचर एयर प्रेशर को अफेक्ट करता है, इसलिए आप बोल सकते हो कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन के कारण भी एयर प्रेशर में वेरिएशन आता है। और कुछ लैटिट्यूड्स होते हैं जिन पर पर्टिकुलर हाई या लो प्रेशर की बेल्ट डेवलप हो जाती है, लेकिन ये बहुत पर्टिकुलर पैटर्न लैटिट्यूड के कारण नहीं है, पर जनरली आप ये बोल सकते हो कि एयर प्रेशर ओवर द अर्थ इट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स, मींस ओवर द इक्वेटर एयर प्रेशर इज लो,
तो ये जो एयर प्रेशर इक्वेटर पर लो है और पोल्स पर हाई है, ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसके कारण है। ओवर द इक्वेटर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इज हायर, इसलिए इक्वेटर पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट है। पोलर एरियाज पर सनलाइट कम जाएगी, टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा तो एयर प्रेशर हाई होगा। जो लैटिट्यूड्स हैं इनके ऊपर सीजनल वेरिएशन का इम्पैक्ट भी देखा जा सकता है। समर सीजन में लैटिट्यूड्स पर एयर प्रेशर कंपेरेटिवली लोअर होगा, विंटर सीजन में एयर प्रेशर कंपेरेटिवली हायर होगा, क्योंकि विंटर सीजन में गैसेस ठंडी होंगी, उनमें कंप्रेशन होगा, डेंसर होंगी, इसलिए एयर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। हम लोग ये जानते हैं कि लैंड की हीटिंग और कूलिंग वाटर के कंपैरिजन में बहुत फास्टर होती है, और अगर हीटिंग होगी तो लो प्रेशर डेवलप होगा, कूलिंग होगी तो हाई प्रेशर डेवलप होगा। और वाटर और लैंड में ये थर्मल कॉन्ट्रास्ट होता है, इसलिए क्या होगा, ओवर द ओशंस विंटर सीजन में या नाइट टाइम में जो एयर प्रेशर होगा लैंड पार्ट के कंपैरिजन में वो लोअर होगा, पर समर सीजन की अगर बात करें, समर सीजन या डे टाइम, तो एयर प्रेशर ओवर द ओशंस हायर होगा। तो हाई और लो प्रेशर का जो वेरिएशन होगा लैंड एंड वाटर के बीच में, उसके कारण लैंड एंड वाटर के बीच में एयर मूवमेंट होगी, जिसके कारण कुछ विंड्स की डेवलपमेंट होती है, और वो विंड्स परमानेंट भी हो सकते हैं। परमानेंट का मतलब है थ्रू आउट द ईयर विंड्स होंगी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, और उनकी मूवमेंट का रीजन भी एयर प्रेशर वेरिएशन है। अर्थ के ऊपर डिफरेंट एयर प्रेशर बेल्ट्स की डेवलपमेंट होती है, जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, उनके कारण परमानेंट विंड्स की डेवलपमेंट होती है। तो वो एयर प्रेशर बेल्ट की जो डेवलपमेंट है वो एयर प्रेशर वेरिएशन के कारण ही है, जिसके कारण परमानेंट विंड्स की डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो लैंड और वाटर है इसके बीच में जो थर्मल कॉन्ट्रास्ट है, उसके कारण मॉनसूनल विंड्स की या लैंड एंड सी ब्रीजेज की भी डेवलपमेंट होती है। मॉनसूनल विंड्स वो विंड्स हैं जो सीजन चेंज के साथ अपने डायरेक्शन बदलती हैं। जैसे आप जो समर सीजन होगा, समर सीजन पर लैंड पर जो टेम्परेचर वो तेजी से इंक्रीज होगा और लो प्रेशर डेवलप होगा, ओशंस पर टेम्परेचर इंक्रीज कम होगा, इसलिए वहां पर कंपेरेटिवली हाई प्रेशर रहेगा। तो समर सीजन में ओशन से लैंड की तरफ विंड्स जाएंगी। लेकिन अगर विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में लैंड पर कूलिंग फास्टर होगी, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। लेकिन ओशन पर इसके कंपैरिजन में एयर प्रेशर लो होता है, इसलिए विंड की मूवमेंट इस टाइप से होगी। तो ये लैंड और ओशन के बीच में सीजन चेंज के साथ क्या हो रहा है, विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इस टाइप से जो डायरेक्शन चेंज करने वाली विंड्स हैं उनको मानसून कहा जाता है। और डे एंड नाइट के बेसिस पर जो एयर की और विंड की मूवमेंट होती है बिटवीन लैंड एंड वाटर, उसको लैंड एंड सी ब्रिज बोला जाता है। जैसे डे टाइम में क्या होगा, लैंड पर लो प्रेशर डेवलप होगा, ओशन पर हाई, तो ओशन से लैंड की तरफ विंड जाएंगी, उसको बोलते हैं सी ब्रिज। और नाइट टाइम में हाई प्रेशर होगा लैंड पर, लो प्रेशर होगा कंपेरेटिवली ओशन पर, तो लैंड से ओशन की तरफ जो भी एयर मूवमेंट होगा उसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। तो ये लैंड और सी ब्रिज, मॉनसून, परमानेंट विंड्स, इन सब की मूवमेंट जो है एयर प्रेशर वेरिएशन के कारण होती है। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।